कलेक्टर एसपी सावधान हो जाइए, मुख्यमंत्री गुस्से में हैं। बहुत शांत सहज सरल मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय क्यों लिखना पड़ रहा है, कलेक्टर एसपी सावधान हो जाइए, मुख्यमंत्री गुस्से में है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज बड़ी बैठक ली है, राज्य के सभी कलेक्टर संभागायुक्त और जिला पंचायत सीओ सभी अधिकारी रायपुर पहुंचे हैं। 100 से ज्यादा अधिकारी इस बैठक में शामिल हुए हैं, कुछ दिन बाद एसपी भी पहुंचेंगे। बहुत बड़ी बैठक है, 7-8 घंटे तक मीटिंग चली, इसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का 3 अवतार एक साथ देखने को मिला है। आम जनता के काम में लापरवाही बरतने पर अधिकारियों को बहुत हड़काया है, अच्छे काम पर तारीफ की है और भावुक भी हुए हैं। आज दिन भर की बैठक में क्या क्या हुआ है, चलिए इसी पर विस्तार से बात कर लेते हैं। दिन भर चली बैठक में 13 विभागों की एक एक कर समीक्षा की गई, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय अपने व्यवहार के विपरीत अंदाज में दिखे, सरल सहज मुख्यमंत्री बहुत सख्त तेवर में दिखे। आज किन किन कामों पर लापरवाही के लिए सीएम साय नाराज हुए, सबसे पहले ये देख लीजिए, इसके बाद आगे बताएंगे। मुख्यमंत्री ने कई मामलों को लेकर नाराजगी जताई है। सारंगढ़, बस्तर, खैरागढ़ में राजस्व मामलों की धीमी गति पर सीएम ने नाराजगी जताई। बस्तर में मनरेगा में कम लोगों को काम मिला, इसलिए सीएम ने कलेक्टर विजय दयाराम को फटकार लगाई। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल विकास योजना पर खैरागढ़, सारंगढ़, शक्ति, रायगढ़ जिले में काम नहीं हुआ। साथ ही मुख्यमंत्री ने सुकमा बलरामपुर कलेक्टर से साइकिल वितरण नहीं होने को लेकर सवाल किया। इसके साथ ही पोषण पुनर्वास केंद्र खैरागढ़ में बेड ऑक्यूपेंसी और क्योर रेट 0 होने पर भी सीएम ने नाराजगी जाहिर की है। सीएम ने आम जनता और स्कूली बच्चों से दुर्व्यवहार पर भी कड़ी नाराजगी जताई है। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा है कि पेंशन वितरण में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इन मामलों पर सीएम विष्णुदेव साय ने क्या कहा है, ये भी सुन लीजिए। सुनाइए क्या कह रहे हैं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। और हम कह सकते हैं कि जो सरकार योजनाएं हैं उसका बहुत अच्छा उन्होंने अपने अपने जिले में योजनाओं को लोगों तक पहुँचाने का काम किया है, फिर भी हम उससे संतुष्ट नहीं हैं। हम लोगों को और आगे करना है और इसके लिए हमने सबको आगाह भी किया है, अच्छा काम करेंगे तो उनको पुरस्कृत भी किया जाएगा और गलत काम करेंगे तो उनको दंडित भी किया जाएगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सिर्फ डांटते नहीं है भाई, अगर अच्छा काम होता है तो तारीफ भी करते हैं। किसकी तारीफ हुई है ग्राफिक्स के जरिए ये भी जान लीजिए, समझिए। सीएम विष्णुदेव साय ने टीबी उन्मूलन कार्यक्रम में रायपुर और बिलासपुर के अच्छे प्रदर्शन पर तारीफ किया है। शहरों में पीएम आवास में बेहतर काम के लिए मुख्यमंत्री ने सभी कलेक्टरों की सराहना की है। साथ ही सीएम विष्णुदेव साय ने कहा है कि गरीब परिवारों को आवास दिलाना हमारा लक्ष्य है। डांट फटकार और तारीफ के बाद सीएम विष्णुदेव साय भावुक भी हुए। 100 से ज्यादा अधिकारियों के बीच गरीबों की बात करते हुए सीएम भावुक हो गए। सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, हमें भूमिहीन परिवारों की पीड़ा समझनी होगी और जरूरतमंदों को 15 दिनों के भीतर स्वेच्छानुदान की राशि स्वीकृत करनी होगी। भूमिहीन परिवार को जाति प्रमाण पत्र मिलने में परेशानी ना हो, इसलिए प्रमाण पत्र को बनाने में देरी ना की जाए। सुन लीजिए सीएम विष्णुदेव साय ने क्या कहा है। उनको निवेदन भी किया है कि जो सरकार योजना है उसको 100% जरूरतमंदों तक पहुंचाएं। कोई भी जरूरतमंद एक भी ऐसा नहीं बचना चाहिए छत्तीसगढ़ के अंदर जो मतलब सरकार की योजनाओं से वंचित हो। इस बैठक में विस्तार ने उसकी मुहिम भी रंग लाई है। जर्जर स्कूलों की हालत पर मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिया है। स्कूल निर्माण में लापरवाही बरतने वाले ठेकेदारों पर जांच के बाद FIR दर्ज करने के लिए कहा है। गुणवत्ता से समझौता करने वालों की जगह जेल में होगी। साथ ही रिकवरी करने के लिए भी कलेक्टरों को निर्देश दिया गया है। इस साल स्कूल खुलने के बाद से ही लगातार विस्तार ने उसके सभी सहयोगियों ने जर्जर स्कूलों को कि 2 महीने तक लगातार ग्राउंड रिपोर्ट दिखाई। कई स्कूलों को शिफ्ट किया गया तो कहीं बच्चों को मध्याह्न भोजन में पीला चावल मिल रहा था, उनके थाली में चावल, दाल, सब्जी, अचार सब कुछ पहुंचाया। बस्तर में स्कूल भी बनाए गए, ऐसी बहुत कहानी है। तो कुल मिलाकर जिले के कलेक्टर एसपी सावधान हो जाएं, सीएम साहब गड़बड़ काम में नाराज होना शुरू कर चुके हैं।